पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मेलिन ट्रांसफॉर्म की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़। आज भी आगे इससे बढ़ेंगे और थोड़ी और इसमें एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इफ़ मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स एस इज इक्वल टू एफ स्टार एस, देन मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू एन एफ 1 बाई एक्स रेस टू पावर एन एस इज इक्वल टू 1 बाई एन एफ स्टार 1 माइनस एस बाई एन एंड पर्टिकुलर केस एन इज इक्वल टू 1, तब मेलिन ट्रांसफॉर्म हमें प्रूव करना है 1 बाई एक्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स एस is equal to f star 1 minus s। simple ये integrals हैं जिनको आपको निकालने हैं, तो definition से ही इनमें सब में शुरू करना है। by definition of Mellin transform we have Mellin transform of 1 upon x raised to power n f of 1 by x raised to power n s is equal to integral 0 to infinity x raised to power s minus 1 1 upon x raised to power n f of 1 by x raised to power n dx। अब यहाँ पर जो भी कुछ होता है उसको हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, x raised to power 1 upon x raised to power n, so we put x raised to 1 by x raised to power n is equal to u, let that is x raised to power minus n is equal to u, therefore mine differentiate करें तो क्या आ जाएगा, minus n x raised to power minus n minus 1 dx is equal to du, और minus n भी उधर ले जाएं हम तो ये हो जाएगा minus 1 by n 1 upon x is to power n plus 1 1 upon x is to power minus n minus 1, this is equal to, इसको u की टर्म्स में हम लिखना है चाहेंगे। अब u is equal to क्या है आपके पास, ये so 1 upon x is to n का मान u है, तो माइनस एन का मान क्या हो जाएगा, यू रेस टू पावर माइनस वन, सो दिस विल बी, यहां से इसको हम अलग कर लें, एक्स रेस टू पावर माइनस एन मीन्स यू, रेस टू पावर माइनस एन माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस एन इंटू डी यू। अब इसमें क्या होगा, लिमिट्स चेंज हो जाएगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो यू विल बी इन्फिनिटी एंड व्हेन एक्स इज इन्फिनिटी यू विल बी जीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी टू जीरो, देन एक्स रेस टू पावर एस माइनस वन, सो ये हो जाएगा यू रेस टू पावर s माइनस वन अपॉन माइनस एन इंटू एक्स रेस टू पावर वन बाई एन मीन्स यू एफ ऑफ यू एंड डी एक्स इज माइनस वन बाई एन वन अपॉन यू रेस टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन डी यू। इसको सिंप्लीफाई कर लें हम, इसमें लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, ये माइनस साइन को हम हटा लेंगे तो इंटीग्रल हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन एन एंड यू रेस टू पावर हो जाएगा आपके पास माइनस एस बाई एन प्लस वन बाई एन, यहाँ से हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन
माइनस 1/n। du and u की पावर 1 means plus 1 this into fu du। अब हम देख रहे हैं यहां पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा यहां पर 1/n से, और जैसा कि हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं उसके हिसाब से लिखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, वहां क्या होता है x रेस टू पावर s माइनस 1, तो यहां है हमारे पास u रेस टू पावर 1 माइनस s बाई n माइनस 1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, हालांकि ये दोनों कट जाएंगे लेकिन डेफिनेशन को काम में लेने के लिए हम इसी तरह से लिखा रहने देंगे इसको। ये हो गया हमारा s और ये हो गया माइनस 1 जब आप डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे। एफ यू डी यू, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/n f स्टार 1 माइनस s बाई n। यहाँ आपको केवल यही स्टेप याद रखनी है कि ये काटना नहीं है आपको 1/7 को, इसको इसी फॉर्म में रखेंगे ताकि डेफिनेशन बन जाए आपके पास, क्योंकि वहाँ होता है x रेस टू पावर s माइनस 1, तो s की जगह आपके पास हो गया 1 माइनस s बाई n और ये माइनस 1, सो f स्टार 1 माइनस s बाई n। व्हेन n इज इक्वल टू 1 तब आपके पास क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पे ये बन जाएगा मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/x, f ऑफ 1/x s, और यहाँ रखेंगे तो ये 1 हो गया f स्टार 1 माइनस s, इससे आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेस टू पावर m f ऑफ a x s इज इक्वल टू a रेस टू पावर माइनस s माइनस m f स्टार s प्लस m वेयर a इज ग्रेटर देन 0। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म वी हैव मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ x रेस टू पावर m f ऑफ a x s इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेस टू पावर s माइनस 1 x रेस टू पावर m f ऑफ a x dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x रेस टू पावर s प्लस m माइनस 1 f ऑफ a x dx। फिर से हम यहाँ पर ए एक्स इज इक्वल टू यू देंगे, लेट ए एक्स इज इक्वल टू यू सो दैट ए डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, आर एच एस ऑफ फर्स्ट बिकम्स इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x means u by a raised to power s plus m minus 1 f of u du by a। And this is equal to इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी u रेस टू पावर s प्लस m माइनस 1 a रेस टू पावर माइनस s माइनस m f u डी यू। नाउ कंपेयर विद द डेफिनेशन वी हैव दिस इज इक्वल टू a रेस टू पावर s माइनस s माइनस m
and this is f star s plus m, provided a is greater than 0. In this way, we will find the Malling transform of various functions. Then Malling transform of log x fx s is equal to d by ds of s f star s. We know that Malling transform of fx s is equal to f star s, and this is equal to integral 0 to infinity x s to power s minus 1 fx dx. Now differentiating both the sides with respect to s, differentiating we get d by ds of f star s is equal to integral 0 to infinity. जब हम x raise to power s को differentiate करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका differentiation x raise to power s minus 1 into log x, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इनटू एफ एक्स डी एक्स. सो दिस इज इक्वल टू Malling ट्रांसफॉर्म ऑफ किसका हो जाएगा, लॉग एक्स इनटू एफ एक्स का. कंपेयर करो आप डेफिनेशन से, एक्स एस टू पावर एस माइनस वन लॉग एक्स एफ एक्स, तो Malling ट्रांसफॉर्म हो जाएगा लॉग एक्स एफ एक्स एस का. ये देन Malling ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है e रेस टू पावर ए एक्स का, Malling ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू पावर माइनस ए एक्स एस. ये हमें प्रूव करना है गामा एस बाई ए रेस टू पावर एस. बाय डेफिनेशन ऑफ Malling ट्रांसफॉर्म we have Malling transform of e raise to power minus ax s is equal to integral 0 to infinity x raise to power s minus 1 e raise to power minus ax dx. This we know that this is equal to gamma s divided by a raise to power s. ye hum sabhi ko pata hai result, चाहे आप इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से कंपेयर करके बना लो, यहाँ p रहता था वहाँ पर a है तो p रेस टू पावर रहता था, यहाँ पर a रेस टू पावर हो जाएगा. इस तरह से आप Malling ट्रांसफॉर्म के सवाल करिए, और जो भी नहीं समझ में आए आप मेरे से पूछ सकते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स.